नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में पकड़वा विवाह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि हाल ही में कोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि पकड़वा विवाह को मान्यता नहीं दी जाएगी, जबरदस्ती किए हुए शादी को कोई मान्यता नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी बिहार में यह मामले थमने का नाम नहीं लेते। ताजा केस आया है वैशाली जिला के पातेपुर से, जहां बीपीएससी से चयनित एक शिक्षक का अपहरण कर उसका पकड़वा विवाह करा दिया गया। बता दें, लड़की वालों ने बुधवार दोपहर में स्कूल से ही टीचर को उठा लिया और गाड़ी में बैठा कर ले गए। परिजन ने अपहरण की शिकायत करते हुए घंटों रोड जाम करके हंगामा किया। बाद में पुलिस ने शिक्षक को सकुशल बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक पातेपुर के रेपुरा हाई स्कूल में नवनियुक्त शिक्षक गौतम कुमार का बुधवार दोपहर बाद विद्यालय परिसर से अपहरण कर लिया गया। आक्रोशित लोगों ने पहले बुधवार रात और गुरुवार सुबह से दोपहर तक घंटों सड़क जाम रखा। इस दौरान NH 49 से लेकर गुजरने वाली गाड़ियां बहुआरा से बरडीहा चौक होते हुए निकली। शिक्षक के बाबा राजेंद्र राय एवं विद्यालय प्रभारी प्रधानाचार्य ने अपहरण मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई। गुरुवार को पुलिस के दबाव पर करीब 3 बजे अपहर शिक्षक को अपहर्ताओं के पातेपुर थाने पर पहुंचाया। पातेपुर बीओ ने शिक्षक गौतम कुमार अपहरण शादी की नियत से करने की बात कही। अपहृत शिक्षक पातेपुर थाना क्षेत्र के मैया मालपुर का रहने वाला है। प्रभारी चंदा कुमारी ने बताया कि बोलेरो गाड़ी में सवार होकर दो आदमी आए। उन्होंने शिक्षक गौतम कुमार को कक्षा से बुलाया और जबरन गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। इसकी सूचना बीओ पातेपुर एवं पातेपुर थाने में दी गई। बिहार में पकड़वा विवाह का प्रचलन काफी सालों से चला आ रहा है। हालांकि हाल ही में कोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि पकड़वा विवाह को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, जबरदस्ती लिए हुए सप्तपदियों का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए इसे मान्यता नहीं दी जाएगी। फिर भी बिहार में ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षक का अपहरण कर स्कूल से ही उन्हें उठा लिया गया और उनकी जबरन शादी करा दी गई। इस पूरे मामले में केस भी दर्ज कराया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।